So hi everyone and welcome back once again to the channel and a very good evening to all of you. So today in this video guys, we are going to talk about something different. You must have read the thumbnail. So today's topic of discussion is how can an RBI grade B officer earn some extra income other than what he or she will be getting from the RBI? Or the question must be precisely this, that whether an RBI grade B officer earn any extra income at all or not. ठीक है जी, so आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या इनकम सोर्सेस, अलग से एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए हो सकते हैं. बिकॉज दीज डेज सोशल मीडिया का जमाना है, इट इज टाइम ऑफ सोशल मीडिया, सो एवरीबॉडी इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू इट, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम, बीट टेलीग्राम, बीट ट्विटर, राइट? सो एवरीबॉडी इज अवेलेबल देयर एंड देर आर वेरियस अर्निंग सोर्सेस थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो ये एक जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों के दिमाग में रहता ही है रिगार्डिंग द यूट्यूब चैनल, राइट? दैट वेदर द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स कैन स्टार्ट देयर ओन यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी फ्रॉम इट. इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन डू बींग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, तो पांच चीजों के अराउंड मैं इस वीडियो को रखूंगा. सबसे पहला है यूट्यूब चैनल, वेदर यू कैन ओपन इट और नॉट. नंबर टू, whether you can guide the other people regarding RBI grade B examination, right? Number two, or you can say directly you can open any coaching or not. Number three, whether you can write a book or not and earn some income from it. Number four, we will be talking about whether you can take the seminars or not. इस तरीके से हम पांच टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे, right? So let's begin with it without any delay. Let's talk about, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रोहिबिशंस डिस्कस करना चाहूंगा. देर आर सर्टेन प्रोहिबिशंस, ऑफकोर्स वेन यू वर्क इन एन एम्प्लॉयमेंट देर आर सर्टेन प्रोहिबिशंस. इफ यू वर्क इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द मून लाइटिंग इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. सिमिलरली इफ यू वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मून लाइटिंग इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो एज पर आरबीआई एक्ट देर आर सर्टेन स्टाफ रेगुलेशंस, नॉट आरबीआई एक्ट, देर आर सर्टेन स्टाफ रेगुलेशंस विद इन आरबीआई विच हैज प्रोहिबिटेड सर्टेन certain activities for all the RBI grade B officer or for all the RBI officers, or you can say all the RBI employees. Number one, being an RBI officer, being an RBI employee, you cannot participate in politics. You cannot participate in politics and you cannot contest any election. Of course, elections ka to aap sabko pata hi hoga, participation in politics ka matlab ye hai that you should not be in connection with any of the political party, right? And you should not be getting any kind of benefit from any political party. किसी भी तरीके से आपका political connection नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आपके चाचा ताऊ politics में हैं, then that is fine. There's no problem with that. But आपका कोई वहाँ पे interference नहीं होना चाहिए, right? Number one. Number two, no outside employment. Of course, if you are working with RBI, you cannot work simultaneously with SEBI or Income Tax Department or any other private organization. Okay. नंबर थ्री, नो पार्ट टाइम वर्क फॉर अदर एस्टैब्लिशमेंट. ऐसा नहीं है कि आपने 9 से 5 आरबीआई के लिए काम किया और उसके बाद 5 बजे से 9 बजे तक रात के लिए आप किसी और के लिए काम कर रहे हो. यू कांट डू दैट, राइट? यू कांट डू दैट. यू कैनॉट डू एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क फॉर एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट. एंड ऑल्सो देर इज अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट ज्वाइनिंग अदर सर्टेन एसोसिएशन और स्ट्राइक्स. तुम किसी यूनियन लीडर का यूनियन का पार्ट नहीं हो सकते, राइट? So these are certain prohibitions over the RBI employees. ठीक है, इसके अलावा there are certain other prohibitions, उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे. So सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहली चीज जो दिमाग में लोगों के आती है after getting selected in RBI, तो वो सोचते हैं कि चलो एक YouTube चैनल खोल के हम अपना जो है वो ज्ञान बांटेंगे. Let's start a YouTube channel and spread the knowledge. ठीक है, ऐसा दिमाग में सबके आता है. But first of all, the question is, can you start a YouTube channel after becoming an RBI grade B officer? Yes, you can start a YouTube channel. The answer is yes, but there are certain conditions to it. First of all, you have to communicate to the RBI that I am going to start a YouTube channel and these will be the content of that YouTube channel. ठीक है, you need to communicate to the जो भी आपके manager होंगे या जो भी आपका HR होगा, उसको आपको बताना पड़ेगा that okay, I am going to open a YouTube channel with this content. Number two, you cannot monetize that YouTube channel, which means you cannot earn through that YouTube channel. चाहे आप वहां पे कुछ भी बता रहे हो, whether it is related to RBI preparation of RBI grade B or RBI assistant,
or it is something related to any other thing, you cannot monetize that channel, right? Number three condition is you cannot disclose any official information there. कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप वहां पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते. अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में यहां पे बहुत सारी चीजें हैं. यू कैन नॉट यूज आरबीआई लोगो. यू कैन नॉट यूज आरबीआई लोगो. एक प्रॉपर सोशल मीडिया पॉलिसी है आरबीआई की, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता जा रहा हूं. यू कैन नॉट यूज आरबीआई लोगो. यू कैन नॉट यूज आरबीआई ऑफिस. कोई आरबीआई का ऑफिस है वेयर यू विल बी वर्किंग, वहां की फोटो वहां की वीडियो, right, photos and videos of RBI offices without the consent of the RBI you cannot display in your YouTube channel. Also you cannot disclose any secret information, obviously. So you can open a YouTube channel but you cannot monetize it, which means you cannot earn any kind of money from it. It will be a completely philanthropic YouTube channel jisse aap bas gyan de sakte ho, you cannot earn through it. Theek hai, to ye doubt aap mein se bahut logo ke dimag mein tha. And guys, these information I am doing based on the information which I have got from the retired RBI officers or the current people who are working in RBI. Because we have certain connections, तो उनके मदद से हमें ये बातें पता चली हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं number two source की, and that is coaching for RBI grade B. You must be knowing this thing. You cannot run a coaching for RBI grade B and earn money from it. There are certain YouTube channels which have the RBI grade B officers, but all of them are ex RBI grade B officers. None of them is working right now at RBI. ठीक है, so you cannot start a coaching for RBI grade B. This is very obvious. ठीक है ना, आप एक जगह काम कर रहे हो तो you cannot do moonlighting. ये हो ही नहीं सकता, it is not possible. ठीक है, ये तो हम सबको already पता ही था. आगे चलते हैं तीसरे पे, personal hobby. Can you use your personal hobby? Or like for example, you have a hobby of singing, you have a hobby of dancing, you have a hobby of, let's say, traveling. So can you make traveling vlogs? Yes, you can make it. Yes, you can make it. Can you make singing vlogs? Can you make dancing reels on Instagram? Right? Can you make singing reels on Instagram? कोई भी, या cooking का ले लो, कुछ लोगों को cooking की hobby होती है. So can you make reels of cooking on Instagram or through on YouTube channel पे क्या आप वीडियोस बना सकते हो? Yes, you can make it, but again with certain conditions. जो conditions मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज कंडीशंस. ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वही है. एंड अगेन थ्रू दिस यू कैन नॉट अर्न मनी. आप यहां से पैसे नहीं कमा सकते. ठीक है जी, पैसे आप नहीं कमा सकते यहां से. आप अपनी पर्सनल हॉबी लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो. यू कैन रेज द अवेयरनेस लेवल ऑफ द पीपल अबाउट योर हॉबी, बट यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम इट. आगे चलते हैं, सेमिनार्स. यस, अब कुछ आरबीआई ऑफिसर्स को सेमिनार्स के लिए बुलाया जाएगा इन फ्यूचर, राइट? मे बी बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मे बी बाय एनी कॉलेज, राइट? तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो सेमिनार्स के लिए बुलाते रहते हैं. So what is about, so can you earn money from these seminars? So first of all, if you are going for a seminar, again you need to communicate to RBI. Aapko batana padega that you are going for XYZ seminar to XYZ university or college. Theek hai? Then again you cannot monetize it. Aap wahan se paise nahi le sakte. Ab yahan pe kuch log apna dimag chala sakte hai, chalayenge bhi ki cash mein le lenge paise, but theek hai, this is an unethical thing. I never suggest to do these things because dekho, चोर की चोरी हमेशा पकड़ी जाती है, राइट? और अगर 5-10 हजार रुपए मिल भी गए सेमिनार से तो क्या कर लोगे 5-10 हजार रुपए का? यार आरबीआई ऑलरेडी तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है, अच्छा, अच्छी, इट इज गिविंग यू अ गुड सैलरी, इट इज गिविंग योर हाउस, ठीक है, इट इज गिविंग यू प्रेस्टीज, बाकी और भी इतनी सारी फैसिलिटीज तो दे ही रहा है. तो 5-10 हजार रुपए के लिए ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? आई विल नॉट सजेस्ट दैट. अगेन यू कैन नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वाइल डिलीवरिंग सेमिनार, वाइल डिलीवरिंग योर स्पीच एट एनी एक्सवाइजेड सेमिनार, एंड यू कैन नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एज वेल. एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें भी हो सकती हैं, कि मान लो कि तुमने ऐसी जाके बोल दिया कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग है उसमें ऐसा ऐसा होगा, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो कुछ भी, किसी भी चीज को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है, और आपको फिर लायबल बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए. दे कैन मेक एनी इन्फॉर्मेशन, दे कैन डिक्लेयर एनी इन्फॉर्मेशन एज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड मेक यू लायबल फॉर
disclosing that information. So please do not do such mistakes while working at RBI or any other XYZ organization, government organization. ठीक है जी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे आपको बड़ा अच्छा बात जानने को मिलेगी. इफ यू वॉन्ट टू राइट अ बुक, एनी एक्स वाई जेड बुक ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो येस यू कैन राइट अ बुक, येस यू कैन अर्न मनी फ्रॉम इट. ठीक है, वहां से आप रॉयल्टी जो होती है, रॉयल्टी से आप जो पैसे कमाओगे वो आपको अलाउड होगा. बट अगेन देर आर सर्टेन कंडीशंस, यू नीड टू फर्स्ट कम्युनिकेट टू आरबीआई दैट ओके आई एम गोइंग टू राइट अ पर्टिकुलर बुक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, देन आफ्टर राइटिंग दैट बुक यू नीड टू सबमिट अ कॉपी टू आरबीआई एंड देन दे विल अप्रूव कि भाई ये बुक छपनी चाहिए कि नहीं छपनी चाहिए. दिस इज डन टू चेक वेदर यू हैव गिवन एनी ऑफिशियल और एनी सीक्रेट और एनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट इंफॉर्मेशन इन दैट बुक. कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट चीज तो आपने नहीं लिख दी है, राइट? सो आपकी जब कॉपी सबमिट होके वहां पे अप्रूव होगी देन यू कैन यू नो यूज दैट बुक, यूज दैट कॉपी फॉर पब्लिशिंग एंड येस यू कैन अर्न मनी थ्रू रॉयल्टी. तो बेसिकली ऑल इन ऑल बात यह है कि इफ यू आर वर्किंग एट आरबीआई, इफ यू आर एन आरबीआई एम्प्लॉय देन यू कैन अर्न मनी थ्रू द रॉयल्टी. आप रॉयल्टी के थ्रू पैसा कमा सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का. येस यू कैन मेक अ यूट्यूब चैनल, येस यू कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल बट यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम इट. येस यू कैन डू द सेमिनार्स बट अगेन यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम इट. यू कैन नॉट प्रोवाइड कोचिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, राइट? तो दीज आर द थिंग्स. नाउ मैं एक चीज और यहां पे आप लोगों को बता दूं दैट इफ यू विल गो एंड आस्क आरबीआई दैट वेदर आई कैन डू दीज थिंग्स और नॉट, आरबीआई और एनी अदर एक्सवाइजेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वेदर आई कैन डू दीज थिंग्स और नॉट, दे विल नॉट गिव यू ब्लैक एंड व्हाइट आंसर. ठीक है, वो क्या करेंगे, लेट्स से अगर आपने पूछा उनसे थ्रू आरटीआई दैट कैन आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल आफ्टर जॉइनिंग आरबीआई ग्रेड बी, और मे बी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी चैनल होगा, राइट, बिफोर जॉइनिंग द आरबीआई. So the question might be this also that whether I can continue this channel after joining RBI Grade B. So in reply, you will only get the social media policy. In reply, they will only get the social media policy. अब वो कभी भी आपको black and white answer हाँ या ना में answer नहीं देंगे. वो इसलिए नहीं देंगे because अगर मान लो कि उन्होंने हाँ कह दिया और आपने YouTube channel start करा and tomorrow you have done any particular thing that was prohibited. So the liability will go on that person जिसने हाँ बोला था. तो जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे किसी भी, तो आपको समझ में आएगा इट्स नॉट दैट इजी टू से येस और नो टू एनी पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज कोई भी अपने सर पे डंडा नहीं लेगा ना यार. व्हाई वुड आई टेक द डंडा ऑन माय सर फॉर योर डीड्स, राइट? सो इफ यू गो एंड आस्क आरबीआई यू विल नॉट गेट अ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर. दीज ऑल इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग, विच आई हैव गिवन इन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द people who have worked in RBI or who are working with RBI. ठीक है, I hope guys you have got all the information and as you all know the 2024 batch has already been launched, the live classes have already been started, mentorship session इस महीने दो होंगे in the upcoming month November में and उसके बाद चलते रहेंगे. ठीक है, if you want to have any detailed information about this course you can call on 9999466225. ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.